गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मेरे सब्जेक्ट फॉर क्लास सिक्स. स्टूडेंट, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1H का बताया था. आपने करा या नहीं करा इसको सॉल्व, ये आपकी प्रॉब्लम है. मैंने आपको ये भी बता दिया था कैसे क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई बाई एक्चुअल कैलकुलेशन. ठीक है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट का मीन हुए हैं. एस्टिमेट द प्रोडक्ट का मीन है कि इनको प्रोडक्ट करना है. ठीक है, इनके प्रोडक्ट आपको करना है. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पर सही उनकी कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट 1H में कुछ भी नहीं था ऐसा जो मैं समझाऊँ आपको. अब ये देखो चैप्टर नंबर 1J, स्टूडेंट 1J देखो, यहाँ पर 1J देखो दिख रहा है. 1J चालू होगा और इस 1J में चालू करने में कुछ भी नहीं है, इसमें आपको खुद ही करना है. मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, केवल ध्यान हमें ये रखना है कि जो रोमन नंबर होते हैं, जैसे कि रोमन नंबर, मैं आपको एक ऐसी फॉर्मेलिटी रफली बता दे रहा हूँ. रोमन नंबर, रोमन नंबर सब स्टूडेंट जानते होंगे, क्लास 7th में आ चुके हैं. देखो इसमें 10 के लिए किससे डिनोट करा जाता है, एक्स से करा जाता है. हैं, 5 के लिए किससे करा जाता है, जैसे मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ 20 तक तो लिख ही दे रहा हूँ 20 तक. ठीक है, तो 20 तक अगर आपको आ जाएगा फिर मैं उसकी क्लू बता दूंगा. रोमन नंबर 20 में कैसे लिखा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 11 के लिए 11, 12. ठीक है, 13, 14, देखो ये 4 इसके सामने रख दिया, 10 लिख के 4 लिख दिया है नहीं, 14, बस इसको देखते जाना है. 1 से लेके 10 तक हो जाएगा आपका 10, फिर है 15, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 और XX दो बार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 20. स्टूडेंट ये तो हो गई 20 तक, आपको इतना तो आना चाहिए. अब जैसे कहीं 50 हमें लिखना है, तो 50 के लिए क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं 50 को, L से. 100 के लिए C को क्या कहते हैं रोमन नंबर में, 100. ठीक है, तो ये अपने को इतनी चीज़ें ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ भी लिख दोगे. ठीक है, जब हम 99 लिखना है तो 99 कहाँ जाएगा, 100 के पास में. ठीक है, तो इसको कैसे 100, जैसे 99 लिखना हुआ हमें तो क्या लिखते हैं, सी. ठीक है, और 9 लिख देंगे रोमन नंबर में. अब ये कितने हो गए, 109 हो गए, लेकिन लिखना कितना है 99. तो सी के पहले अगर हम एक्स लिख दें तो ये हो जाता हमारा 99. मतलब कि जब 90 वाली लाइन लिखेंगे तो 90 वाली लाइन को अगर रोमन नंबर में लिखना, 91, 92, 93 इनको लिखना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने को सी के पहले एक्स को मतलब 10 माइनस करते चले जाना और उसके आगे जो पूछा, जैसे 91 लिखना हो तो सी उसके पहले एक्स, तो ये तो हो गया 90 और 1, ये हो गया 91. ठीक है, ऐसे करके अब आप आते हैं अपने चैप्टर पर. ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ ऊपर टेबल भी दे रखी है, आपको बता भी रखा है, आप इसको खुद ही रीडिंग करना है. मैं आपको बताऊँ तो कोई मीन नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी उतना बता चुका जो करना है, और आपको इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप उनको एग्जाम्पल को देख के भी अपने अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि 1J में जो है पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमेरल. रोमन न्यूमेरल में लिखना है, काउंटिंग दी गई है, काउंटिंग को रोमन न्यूमेरल में लिखना है. तो आप खुद ही समझो, जैसे 20 लिखना है तो एक्स एक्स दो बार लिख देंगे, फिर 1, 1, 2, 2 बार लिख देंगे तो कितने हो जाएंगे 22. ठीक, 1X को 10 मानते, सेकेंड को एक्स, सेकेंड
एक्स को भी 10, तो 10 10 20 और 2 और लिख देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। और फिर कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे दिया है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। अभी ये रोमन न्यूमेरल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन दिया गया है वो रोमन न्यूमेरल में लिखा हुआ है। स्टूडेंट आपको इसको काउंटिंग में लिखना है, तो बहुत ईजी है। देखो पहले वाला क्वेश्चन जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्स और वी लिख रहा है इसमें। एक्स का मतलब कितना होता है 10, वी का मतलब कितना होता है 5। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। किस क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स एक्स वी आई लिख रहा है, तो एक्स एक्स कितना हो गया 20। 20 के बाद वी आई का मतलब होता है 6, तो 26। इस करके आप जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है एक्स सी आई, ये मैं ऑलरेडी बता चुका 99। देखिए एक्स सी एक्स, सी के पहले एक्स लिखा तो कितना हो गया 90, क्योंकि सी को 100 कहते हैं, और सी के पहले अगर एक्स लिख रहा है तो ये 10 कम हो जाएंगे तो 90, और आई एक्स का मतलब 9, तो 99। इस टाइप से है नहीं। अब स्टूडेंट देखो यहाँ भी है, इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, इसमें हमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आप तब लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। तो ये जो न्यूमेरल नंबर लेके इनके पास पास में अपन पेंसिल से काउंटिंग लिख लेंगे, है ना। जैसे एक्स भी लिख रहा है तो इसको कितना लिखना है 15। अब एक्स एक्स थ्री लिख रहा है, थ्री डन वन लिख रहे हैं तो इसको क्या कर लेंगे 13। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर माय डियर।